लिंग जुई और गोयान अपने लाइफ का हैप्पी मोमेंट साथ में एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद सब लोग जब घर लौटते हैं तो गोयान देखती है कि उसके घर के नीचे उसका भाई जो है कार में है, उसका वेट करते करते सो गया है। उसको जाकर के वो जगाती है तो जो लिंग जुई होता है वो गोयान सिंह से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मेरे गर्लफ्रेंड के घर के नीचे तुम रात भर वेट क्यों कर रहे थे। गोयान सिंह के पास कोई आंसर देने के लिए नहीं रहता है, तभी वहाँ पर गोजाइनर आती है और बोलती है कि मेरे घर पर कोई प्रॉब्लम आ गया है तो गोयान सिंह मुझे लेने के लिए आया था, और फिर दोनों साथ में निकल जाते हैं। गोजाइनर उसे समझाती है कि गोयान अब बच्ची नहीं है, थोड़ा अब तुम्हारा ज़्यादा हो रहा है, वो अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, तो तुम इस तरीके से मत करो वरना गलत सो होगा कि तुम उसके भाई नहीं हो। गोयान सिंह जब घर जाता है तो उसकी मॉम बोलती है कि तुम कितना पतले होते जा रहे हो, थोड़ा खाना वाना खाया करो यार। तो गोयान सिंह बोलता है कि कुछ दिनों में वैसे भी मैं बाहर जाने वाला हूँ, मैं कोई पतला नहीं हो रहा हूँ माँ, मैं ढंग से खाना खा रहा हूँ। इसके बाद उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड आज तक नहीं बनी है क्या, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से नहीं मिली हूँ, अपने सिस्टर को देखो, अपने बॉयफ्रेंड को लेकर के आती है घर। गोयान सिंह बोलता है कि नहीं मैं फिलहाल लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो उसकी मॉम बोलती है तुम गे हो क्या। तो गोयान सिंह हंसने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, बस मुझे मेरी पसंद की कोई नहीं मिली है। तो उसकी मॉम बोलती है कि ठीक है, मेरी फ्रेंड की एक बेटी है, तुम्हें उससे ब्लाइंड डेट पर जाना ही पड़ेगा। और नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि गोयान योयो के साथ अपने ऑफिस में थी तो उसको उसकी मॉम का कॉल आता है, उसकी मॉम भी उसे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए ज़बरदस्ती बोल रही थी। तो वो लोग प्लान बनाते हैं कि उस लड़के को कैसे भगाना है। वो लोग अपने ऑफिस से बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि वो लड़का बैठ करके योयो का वेट कर रहा है। योयो बोलती है कि मैं जाऊंगी, जाकर के जैसे ही पानी का ग्लास उठाऊंगी तो तुम लोग एक्टिंग करते हुए आ जाना। और फिर योयो जाती है, जैसे ही जाकर के वो देखती है तो कोई और नहीं गोयान सिंह होता है। गोयान सिंह को देख करके तो वो खुशी हो जाती है, वो सोचती है कि जब अब पकी पकाई खिचड़ी मिल रही है तो मैं क्यों छोड़ने जाऊँ। योयो को देख करके गोयान सिंह भी थोड़ा सा रिलैक्स होता है, वो बोलता है कि चलो अच्छा है तुम हो तो मुझे अब ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ेगी, हम लोग दोनों डेट पर नहीं जाना चाहते हैं। और गलती से योयो पानी वाला ग्लास उठा लेती है बात करते करते, तो दोनों एक्टिंग करते हुए आ जाते हैं, उसका मैनेजर और गोयान। जब दोनों आते हैं तो गोयान देखते हैं कि ये तो इसका भाई ही है, तो फिर सारे बैठ करके बात कर रहे होते हैं, सब उसे बताते हैं कि क्या बात है। तो फिर फाइनली योयो बोलती है कि जब तक हम लोग अपनी फैमिली को ये नहीं बताएंगे कि हम लोग मतलब एक दूसरे के लिए सही नहीं है, वो लोग हम लोगों को डेट पर भेजते ही रहेंगे। तो गोयान उसे आइडिया देती है कि काम करिए अपने भाई को कि आप इसके साथ फेक डेट पर जाइए और फेक रिलेशनशिप में आने के लिए अपने मॉम डैड को दिखाइए कि आप लोग रिलेशनशिप में हैं। तो फाइनली गोयान सिंह रेडी हो जाता है, गोयान का बात मान लेता है, वो लोग साथ में फ़ोटो अपलोड करते हैं। तो गोयान सिंह की मॉम देखती है और उसको कॉल करती है, तो गोयान से थोड़ी बहुत चीजी लाइंस बुलवाती है गोयान, जिससे उसकी मॉम को लगे कि हाँ वो सच में योयो को पसंद करता है। तो फाइनली उनका प्लान ए यहाँ पर कंप्लीट होता है। गोयान अपने भाई को बोलती है कि जाइए आप इसे घर छोड़ कर के आइए, तो फिर वो उसे घर छोड़ने जाता है। गोयान उसका मैनेजर जैसे ही अपने ऑफिस में लौट रहे होते हैं, गोयान के कुछ फैंस वहाँ पर आ जाते हैं उसे ऑटोग्राफ लेने के लिए। वो फिलहाल जो अपना नॉवल लिख रही थी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या कम्प्लीट करे, तो वो लोग वही बोल रहे थे उसे कि जल्दी उसे कम्प्लीट करिए, हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं उसके नेक्स्ट अपडेट के लिए। नेक्स्ट सीन में जो गोजाइनर होती है अपने डैड के ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे रही होती है, उसका प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा होता है। उसके डैड और जितने भी मेंबर होते हैं उसे इम्प्रेस हो जाते हैं, और जो सारे मेंबर होते हैं वो बोलते हैं कि हम लोग जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड नया प्रोडक्ट निकाल रहे हैं क्यों ना हम लोग वो गोजाइनर से शेयर करें। तो उसके डैड पूछते हैं कि ये सिक्योरिटी का जो भी सेक्शन है वो किसके अंडर में है, तो गोजाइनर बोलती है कि वो लिंक जो है उसकी कंपनी संभालती है। तो उसके डैड बोलते हैं कि ठीक है, तो हम लोग उससे बात करते हैं और बोलते हैं अपना डिटेल्स हमसे शेयर करने के लिए ताकि हम लोग नया प्रोडक्ट बना सके। गोजाइनर बोलती है कि ठीक है मैं उससे मिलूंगी तो बात कर लूंगी, लेकिन उसके डैड बोलते हैं कि नहीं तुम अभी कॉल करो, सबके सामने बात करो, वो मना नहीं करेगा। और जब गोजाइनर उसको कॉल लगाती है तो लिंग जो उसे डायरेक्टली मना कर देता है। तो फिर उसके डैड बीच में आते हैं तो वो पोलाइटली उसके डैड को भी मना कर देता है कि नहीं मैं ये काम अभी फिलहाल नहीं कर सकता हूँ। तो ये चीज़ उसके डैड को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है। और अगले सीन में लिंग जो है गोयान को अपने सबसे पहले वाले ऑफिस लेकर के जाता है जहाँ से उसने अपनी कंपनी की शुरुआत की थी। वो उसे बताता है कि ये वही प्लेस है जहाँ से मैंने अपनी कंपनी के पहली बार शुरुआत की थी, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, मैंने मार्केट रिसर्च अच्छे से नहीं कर पाया था और बहुत सारे प्रोडक्ट बना लिए थे और इतना का ज़रूरत नहीं था, डिमांड नहीं था मार्केट से, जिस वजह से वो सारी चीज़ें बिक नहीं पाई और मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ।
गोयन से मिलने के बाद लिंगजुई जैसे ही अपने ऑफिस जाता है, वहां पे उसे पता चलता है कि उसका फेस सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी डाटा है वो लीक हो चुका है और उसकी कंपनी के कुछ डिटेल्स को हैक किया गया है। इस वजह से बहुत सारी जो फॉरेन की कंपनी होती है वो लिंगजुई से अब डील नहीं करना चाहती है, क्योंकि उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट दिख रहा था। और जो भी फेस्टिवल का जो भी कंपनी का फेस्टिवल वो लोग ऑर्गेनाइज करने वाले थे, वो अब गु ज़ाइनर के डैड की कंपनी ऑर्गेनाइज कर रही है। ये बात जब गु ज़ाइनर को भी नेट के थ्रू पता चलती है तो वो अपनी कंपनी में कॉल करके बोलती है कि तुरंत इस चीज़ को मना कर दो कि लिंगजुई की कंपनी पे कोई भी थ्रेट नहीं आया है। लेकिन उसके कंपनी वाले बताते हैं कि ये तुम्हारे डैड का ऑर्डर है कि हम लोग इस बीच में नहीं आएंगे। तो बेचारी गु ज़ाइनर फिलहाल कुछ नहीं कर पाती है। और फिर वो अपने डैड से मिलने के लिए जाती है। वो अपने डैड को बोलती है कि हम लोग इस चीज़ को क्यों नहीं मना कर सकते हैं। तो उसके डैड बोलते हैं कि इतने साल से मैं लिंगजुई की कंपनी को पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहता था और जब मौका मिला है तो मैं ऐसे कैसे जाने दूँ। गु ज़ाइनर उसे समझाती है कि हमारी कंपनी का भी टाई अप है लिंगजुई की कंपनी के साथ और उसके साथ साथ हमारा भी रेपुटेशन ख़राब हो रहा है। तो उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हारी कंपनी तो छोटी है, अगर इतनी बड़ी कंपनी को गिराने के लिए छोटी कंपनी का बलिदान भी देना पड़े तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गु ज़ाइनर अपने डैड को एक आइडिया देती है कि देखिए इससे हम दोनों का लॉस हो रहा है, मेरे पास एक प्लान है जिससे कि केवल लिंगजुई का ही लॉस होगा। तो उसके डैड पूछते हैं क्या, तो गु ज़ाइनर बोलती है कि आप हम दोनों की शादी करवा दीजिए, इससे दोनों कंपनी का मर्जर हो जाएगा और लिंगजुई के पास कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा हम लोगों से हेल्प लेने के अलावा, और इसके बाद फिर आपको जो करना आप कर सकते हैं। तो उसके डैड बोलते हैं कि पिछली बार का ऑफर तो उसने मना कर दिया था, मुझे लगता है कि वो किसी और को पसंद करता है तो वो तुमसे शादी नहीं करेगा। गु ज़ाइनर बोलती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, बस मैं ये चाहती हूँ कि उसके पास कोई और हेल्प लेने का ऑप्शन ना बचे। गोयन अपने घर पे बैठ करके अपना नॉवेल लिख रही होती है, तभी उसके घर का बेल बजता है और वो जा करके देखती है तो बाहर एक सामान रखा हुआ होता है। वो उसे खोलती है तो उसमें एक डुप्लीकेट कटा हुआ हाथ बहुत सारा ब्लड के साथ रखा होता है। वो देख करके काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, आसपास कोई और नहीं था। तभी वहाँ पर गोयन सिंह आता है, वो उसे घर में अंदर लेकर के जाता है। वो उसे बोलता है कि हम लोग पुलिस को कंप्लेन करेंगे। तो गोयन बोलती है कि नहीं, शायद ये किसी फैन का मजाक होगा, मैं आगे अपडेट नहीं कर रही हूँ नॉवेल, इसलिए तो पुलिस को कंप्लेन नहीं करने और लिंगजुई को भी इस बारे में नहीं बताने। गोयन सिंह गोयन के लिए फूड बना रहा होता है, तभी गोयन को भी ये इंटरनेट के थ्रू पता चलता है कि लिंगजुई की कंपनी पर अटैक हुआ है, तो वो उसे जाती है मिलने के लिए। और इधर हम लोग देखते हैं कि गु ज़ाइनर भी लिंगजुई से मिलने के लिए जाती है। गु ज़ाइनर लिंगजुई को ऑफर देती है कि मेरे पास तुम्हारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो लिंगजुई बोलता है कि तुम मेरी हेल्प क्यों करोगी, ये सब तो तुम्हारे डैड का ही किया हुआ है। तो गु ज़ाइनर बोलती है कि गोयन भी तो मेरी फैमिली की है, तुम उसकी हेल्प पर तो कभी डाउट नहीं करते। तो लिंगजुई बोलता है कि उसकी बात अलग है। गु ज़ाइनर बोलती है कि देखो, जब मैं अपनी कंपनी स्टार्ट की थी तब तुमने मेरा हेल्प किया था, इसीलिए मैं एज ए एंटरप्रेन्योर आई हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए, और कोई बात नहीं है। तो लिंगजुई बोलता है कि क्या डिमांड से तुम्हारे। तो गु ज़ाइनर बोलती है कि हम दोनों अपनी कंपनी का मर्जर कर लेते हैं, फिलहाल और कोई ऑप्शन नहीं है, और जब ये प्रॉब्लम तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा तो फिर से तुम अपनी कंपनी अलग करना, इसके लिए तुम जो है ऑनलाइन ये बता दो कि हम दोनों जो है इंगेजमेंट कर रहे हैं, इससे सबको ये लगेगा कि हमारी कंपनी का मर्जर हो रहा है। लिंगजुई इस बारे में भी सोच ही रहा होता है कि गु ज़ाइनर देखती है कि उसका टाई खराब है। जैसे ही वो उसे ठीक करने के लिए जाती है अचानक से उसका पैर फंसता है और वो उसके ऊपर ही गिर जाती है। और इसी सिचुएशन में गलती से गोयन आती है और दोनों को ऐसे देख लेती है। लिंग जो इसे समझाने की कोशिश करता है तो पहले गोयन गु ज़ाइनर को वहाँ से भेजती है। गु ज़ाइनर के जाते ही लिंग जो इसे बताता है कि क्या हुआ था। तो गोयन बोलती है कि वाह क्या बात है, गु ज़ाइनर का तो टाइमिंग ही कुछ अच्छा है, उसकी हर गलती मुझे ही दिख जाती है ना। फिर भी लिंगजुई जो है कैसे भी करके गोयन को अपने पर ट्रस्ट करा ही लेता है। गोयन जब घर लौटती है तो देखती है कि उसका भाई अभी भी उसका वेट कर रहा है। तो वो बोलती है कि आप गए नहीं। तो गोयन सिंह बोलता है कि नहीं, जो एक्सीडेंट आज हुआ तुम्हारे साथ उसकी वजह से मुझे लग रहा था कि शायद तुम परेशान होगी। तो गोयन बोलती है कि नहीं, वैसे कोई बात नहीं है, मैं देख लूँगी, आपको योयो के साथ डेट पर जाना था ना, आप जाओ। उसे वो जबरदस्ती भेजती है। गोयन सिंह को योयो के साथ मूवी देखने के लिए जाना था, वो थिएटर में जाता है तो योयो उसका वेट कर रही होती है। दोनों को वहाँ पर पता चलता है कि लिंगजुई ने गु ज़ाइनर के साथ एंगेजमेंट का अनाउंसमेंट किया है। तो दोनों गुस्से में लिंगजुई से मिलने के लिए जाते हैं। वहां पर गोयन सिंह लिंगजुई पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है कि ये सब क्या ड्रामा है, तुम अपनी कंपनी को बचाने के लिए ये काम कर रहे हो। तो लिंगजुई बोलता है कि ये हम लोगों का मैटर है, हम लोग देख लेंगे, और वैसे भी ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट है, मैं उससे कोई सच में एंगेजमेंट नहीं कर रहा हूँ। गोयन सिंह बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो बोलता है कि तुम्हें पता है कि इस वजह से गोयन को कितना ज्यादा हर्ट होगा, तुम इसे कैसे संभालोगे, अगर तुम उसे ढंग से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो तो मैं प्रोटेक्ट करूंगा। लिंगजुई बोलता है कि भाई के लिए तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा नहीं हो रही है। योयो गोयन सिंह को रोकती है और फिर उसे वहाँ से लेकर के जाती है।
नीचे जाने के बाद योयो जो है गुएन सेंग से पूछती है कि तुम्हें जिस लड़की से प्यार था तुमने उसे प्रपोज किया? तो गुएन सेंग बोलता है कि नहीं, लेकिन तुम अभी क्यों पूछ रही हो? योयो कुछ देर सोचने के बाद पूछती है कि तुम गुएन को पसंद करते हो? गुएन सेंग कुछ नहीं बोल पाता है। योयो उसे बोलती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किसे पसंद करते हो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और ये बस मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। गुएन सेंग कुछ फिलहाल बोल नहीं पाता है। वो उसे बोलता है कि चलो मैं तुम्हें पहले घर छोड़ देता हूँ। योयो बोलती है कि नहीं तुम जाओ, तुम देखो गुएन परेशान हो गई, तुम जाओ उससे मिलो, मैं चली जाऊँगी घर। गुएन सेंग निकलता है। उस समय तो बहुत मस्त एकदम हीरो बन गई थी योयो अच्छे से बात करके, लेकिन उसके चाहते ही रोने लगती है। तभी उसे उसके मैनेजर का कॉल आता है और वो उसे अपने फ़ोन का चार्जर लेकर के एक जगह बुलाता है। तो योयो वहाँ जाती है। एक्चुअल में योयो का जो फेवरेट आइडल था उसका कंसर्ट होने वाला था, नहीं उसका फ़ैन मीटिंग होने वाला था, तो उसके लिए टिकट्स बाय करके उसका मैनेजर रखा हुआ था। तो जो उसे देता है, उसे वो टिकट्स दे करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने फेवरेट आइडल का फ़ैन मीटिंग अटेंड करने के लिए जाती है। फ़ैन मीटिंग अटेंड करने के बाद जैसे ही सब लोग उसके फ़ैन जा रहे थे, अचानक से योयो का पैर फंसता है और वो गिरने लगती है। तो एकदम मस्त हीरो की तरह आ करके उसका मैनेजर उसे बचा लेता है और यहाँ से दोनों की लव स्टोरी सीक्रेटली स्टार्ट होती है। और अगले सीन में गो जाइनर जो है गुएन से मिलने के लिए उसके घर गई होती है। गुएन बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो गो जाइनर बोलती है कि मैं तो बस ये देखने आई थी कि तुम्हारे घर में ऐसा क्या है जो लिंग जोय को यहाँ पर बांध करके रखता है, पर तुम्हारी गरीबी देख करके मुझे लगता है कि बस उसे तुम्हारा ये लाइफ स्टाइल कुछ टाइम के लिए न्यू लग रहा होगा, क्योंकि वो तो कहीं और से बिलोंग करता है। गुएन बोलती है कि वाह कितनी अच्छी बात कही है तुम्हारी, तुम्हारा हो गया तो निकलो यहाँ से अब। तो गो जाइनर बोलती है कि तुम मेरे घर से मुझे नहीं निकाल सकती, तुम्हें पता ना कि लिंग जोय से मेरा इंगेजमेंट होने वाला है और ये उसका घर है। तो गुएन बोलती है कि मैं उसे हर मंथ रेंट देती हूँ, तो ये मेरा घर हुआ, फिलहाल मैं तुम्हें अपने घर से निकाल सकती हूँ। गो जाइनर उसे बोलती है कि देखो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो तुमसे प्यार करता है या किससे प्यार करता है, मेरा उससे इंगेजमेंट होने वाला है। फिलहाल मैटर ये करता है कि जब वो प्रॉब्लम में हुआ तो क्या तुम या तुम्हारा प्यार उसका कोई हेल्प कर पाया? हेल्प तो मैंने ही किया ना, तो मुझे लगता है कि तुम समझ गई होगी कि तुम्हारी क्या औकात है उसके लाइफ में, तुम उसका किसी भी तरीके से हेल्प नहीं कर सकती हो। गुएन बोलती है कि अगर मैं चली जाऊँगी तो क्या वो तुम्हें चूज कर लेगा क्या? तो गो जाइनर बोलती है कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो क्या चूज करे, बस मैटर ये करता है कि तुम उसके लाइफ से चले जाओ, तुम्हारी वजह से ये सब चीज़ प्रॉब्लम हो रहा है। तुम उससे पहली बार एक एक्सीडेंट की वजह से मिली, तुम्हारी वजह से उसने अपने डैड की कंपनी का पोस्ट नहीं एक्सेप्ट किया और अब भी वो तुम्हारी वजह से ही सफ़र कर रहा है, तुम्हें सारी बातें तो पता ही होंगी। तभी वहाँ पर गुएन सेंग आता है और गु जाइनर को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। गुएन को वो बोलता है कि तुम लिंग जोय को छोड़ क्यों नहीं देती, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो गुएन बोलती है कि तुम क्यों उस इंसान को मुझसे दूर करना चाहते हो जिससे मैं प्यार करती हूँ? तो गुएन सेंग बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ। गुएन बोलती है कि सारे न्यूज़ फेक है, तुम परेशान नहीं हो, तुम फिलहाल घर जाओ, मैं देख लूँगी उसके साथ क्या करना है। और जब ये इंगेजमेंट वाला बात लिंग सेंग को भी पता चलता है तो उसे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। गु जाइनर लिंग सेंग को कॉल कर रही थी लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता है, लेकिन उसे रहा नहीं जाता, कुछ देर बाद फिर उससे मिलने के लिए जाता है। इसके बाद वो उसे मूवी पर दिखाने के लिए लेकर के जाता है। लिंग सेंग गु जाइनर से पूछता है कि तुम सच में मेरे भाई से शादी करना चाहती हो? गु जाइनर बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारे भाई से शादी करना चाहती थी, लेकिन अब मैंने ये प्लान छोड़ दिया है। लिंग सोई के बड़े भाई लिंग फैंग को जब ये कंपनी वाला बात पता चलता है तो वो अपने डैड से बात करने के लिए जाता है। वो उसे बोलता है कि आप उसकी हेल्प क्यों नहीं कर रहे? तो उसके डैड बोलते हैं क्या बात है, अब तो भाई तुम मैच्योर हो गए, तुम्हें अपने भाई की फिक्र हो रही है। तो लिंग फैंग बोलता है कि मुझे उसकी फिक्र नहीं हो रही है, मुझे कंपनी की फिक्र हो रही है। एक्चुअली लिंग फैंग को भी ये बात बुरा लग रहा होता है क्योंकि प्रॉब्लम में लिंग जोई ने उसका हेल्प किया था ना, इसीलिए वो डैड से बात करने के लिए गया था। और इधर लिंग जी अपने सेक्रेटरी के साथ सब चीज़ डिस्कस कर रहा होता है। वो लोग यही सोच रहे होते हैं कि हमारे सिक्योरिटी इतने टाइट होने के बाद भी आखिर कैसे डिटेल्स लीक हो गए। तो लिंग जी के सेक्रेटरी का कहना था कि मुझे लगता है कि हमारी कंपनी का ही कोई जो है उनकी हेल्प कर रहा है। तभी वहाँ पर गुएन आती है, वो लिंग जी के लिए फूड लेकर के आई होती है। दोनों खाना वाना खाते हैं। इसके बाद गुएन बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम काफ़ी लॉन्ग टाइम से काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे हो, तो थोड़ा माइंड रिफ्रेश करने के लिए चलो हम लोग बाहर घूमने चलते हैं। इसके बाद वो उसे बाहर घुमाने के लिए लेकर के जाती है। थोड़ा बहुत इधर उधर घूमने के बाद लिंग जी और गुएन दोनों फेरी व्हील्स पर जाते हैं। हाइट से डर लगने के बाद भी लिंग जी गुएन की वजह से फेरी व्हील्स पर जाता है। गुएन उसे बोलती है कि तुम्हें डर लग रहा था, तुम मेरा हाथ पकड़ लो। तो फिर लिंग जी थोड़ी देर उसका हाथ पकड़ के बैठता है। गुएन उसे बोलती है कि तुम्हें पता है जो भी फेरी व्हील्स पर विश मांगता है वो विश पूरी हो जाती है। तो लिंग जी फिर गुएन के लिए विश मांगता है, गुएन उसे किस कर लेती है। इसके बाद जब दोनों वापस लौटते हैं ऑफिस, तो गुएन को लिंग जी को जाने देने का मन नहीं कर रहा था, वो बार बार वापस
आकर के उसे हक कर लेती थी। तो लिंगजे बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम परेशान हो, तो चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ तुम्हारे घर। तो गोयन बोलती है कि नहीं कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो। और जाने से पहले गोयन लिंगजे को बोलती है कि तुम अपना अकाउंट भेज देना, मुझे तुम्हारे पैसे भेजने हैं। लिंगजे बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें अकाउंट नहीं भेजने वाला, इस तरीके से तुम हमेशा मुझसे उधार लिए रहो। क्या सच में गोयन लिंगजे को छोड़ करके जाने के लिए डिसाइड कर लिए, क्योंकि उसके बिहेवियर से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है, जानेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में।